हेलो फ्रेंड्स, तो आज की रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। तो आज हम बना रहे हैं कॉर्न के अप्पे। तो कॉर्न बाज़ार में बहुत ही आए हुए हैं फ्रेश फ्रेश, तो लाइए और बनाइए। ये अप्पे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ब्रेकफास्ट में अप्पे हो जाएं तो मज़ा ही आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप दही और साथ में मैंने 1 कप भर कर बॉइल्ड कॉर्न ले लिया है थोड़ा सा। उसके बाद इसमें अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है दही के साथ। और इसे बनाना बड़ा ही आसान है, जो चाहे आप इसमें डाल सकते हैं। और बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ रवा। तो पहले मैंने 5 से 6 स्पून रवा डाला, उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से दही के साथ। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम बाकी का रवा ऐड करेंगे। इसमें कम से कम 1.5 से 2 कप रवा जाएगा। जितनी आपको ज़रूरत है अप्पे बनाने की उतनी क्वांटिटी में आप बनाइए, क्योंकि हमने इसमें 1 कप दही डाला है। तो इसमें आप बाद में पानी भी ऐड कर सकते हैं या फिर आप इसे छाछ के साथ भी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसमें भी। तो यहाँ पर मैं इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ ऑनियन, और इसके साथ में इसमें डालूंगी मैं ग्रीन चिली बारीक कटी हुई। आप इसके जगह पे चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया मैंने यहाँ पर ऐड किया है। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून या 1 छोटा चम्मच। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर गर्म मसाला भी ऐड किया है। अब इसे इसमें हम ऐड कर देंगे 2 चम्मच चावल का आटा। और अब आखिरी में इसमें हम ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट भी ऐड कर लिया है। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। और अगर आपको लगे कि ये बहुत ही टाइट हो रहा है तो इसमें हमें ऐड करना है वाटर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमें इसमें पानी मिक्स करके इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है। ये देखिए, जैसे कि हम अप्पे बनाते हैं उस तरह का बैटर हमें यहाँ पर बनाकर रेडी कर लेना है। तब ये रेडी है और इसे हम ढक कर रवा को फूलने के लिए 15 से 20 मिनट रख देंगे। ये देखिए, मैंने 20 मिनट के बाद खोला है और ये अच्छे से रवा जो है ये फूल गया और हमारा बैटर भी अच्छी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर लिया है, मतलब कि जितना आपको बनाना हो पहले उतना निकालिए और इसमें इनो डाल दीजिए थोड़ा सा। तो आपको हर बार ऐसे ही करना है, हर बार जितनी बनाना है आपको उतना निकालिए और थोड़ा थोड़ा इनो डालकर आपको इसे घोटकर तुरंत बनाना है ताकि अच्छे से इसमें ये फूगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर कर लिया है। और अब हमने ले लिया है अप्पे पैन, उसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा थोड़ा ऑयल और अब हमारा ये बैटर इसमें डाल देंगे। और इसे हमें ढक कर दोनों साइड से अलटते पलटते पका लेना है। तो सारे कैविटी को हम इस तरह से बैटर से भर कर इसे पका लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसे 5 मिनट के बाद दोनों तरफ से पका कर इस तरह से निकाल लिया है और ये बहुत अच्छे से पक गए और फूल भी गए हैं। और कॉर्न आप इसमें देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं। तो हमारा जो कॉर्न अप्पे है वो बनकर रेडी हो गए हैं। और अब हमें यहाँ पर लगा दिया है चटनी में तड़का। तो ये वही नॉर्मल वाली चटनी है जो हम इडली के साथ बनाते हैं। बस अब हम इसे सर्व कर लेंगे। ये लीजिए, हमारे कॉर्न अप्पे रेडी हैं। ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही टेस्टी और अच्छी रेसिपी और हेल्दी भी है। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।